हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम बनाते हैं जी बहुत ही सॉफ्ट फ्लफ़ी मॉइस्ट किस्म का रेड वेलवेट मार्बल केक जो कि इतनी अमेजिंग रेसिपी है इतना मज़े का बन के तैयार होता है बच्चों के लिए बनाएं घर वालों के लिए बनाएं पार्टीज़ पे बनाएं बहुत बहुत अमेजिंग इसका टेस्ट है हमने लिया है जी आधा कप ऑयल कोई भी आप ऑयल ले लें वेजिटेबल ऑयल कॉर्न ऑयल और उसमें मैंने डाला है तीन टेबल मेल्टेड बटर ये बहुत अमेजिंग टेक्स्चर देगा पूरे केक को थ्री फोर्थ कप मैंने ली है शुगर और उसके अंदर हमने डालने हैं जी तीन अदद अंडे अगर रूम टेम्परेचर पे हैं तो ज़्यादा अच्छे हैं अगर रेफ्रिजरेटेड हैं ठंडे हैं थोड़े से तो भी खैर है इन सब चीज़ों को हमने बीट कर लेना है इलेक्ट्रिक विस्क मैंने यूज़ किया है आप रेगुलर जो हमारे पास विस्क होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं इतना करना है कि थोड़े से फ्लफ़ी हो जाइए फिर हमने लिया है जी बटर मिल्क बटर मिल्क कैसे बनाना है आधा कप हमने लिया है मिल्क उसमें वन टीस्पून डाल देना है जी विनेगर इसको मिक्स करेंगे ना तो ये थिक हो जाएगा और ये हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा ये केक को बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त किस्म का जो है ना टेक्स्चर देता है और फ्लेवर देता है एक कप हमने लिया है इसके अंदर मैदा फ्लार और वन एंड हाफ टी स्पून हमने डालना है जी बेकिंग पाउडर इन सब चीज़ों को हमने छान लेना है अच्छे तरीके से ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो सारा का सारा ये ड्राई बैटर और हमारा केक जो है वो नाइसली बहुत अच्छा फ्लफ़ी बने फिर हमने इसके अंदर डाला है वन टीस्पून स्पून वनीला एसेंस या वनीला पाउडर है तो वो डाल लें और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है यहाँ पे हमने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी बस जल्दी से मिक्स करना है दैट्स इट अब ये जो हमने वनीला बैटर बनाया ना इसके अंदर से हमने दो कप बैटर निकाल के साइड पे कर लेना है और इसके अंदर हमने डाला है वन एंड हाफ टेबल स्पून कोको पाउडर और एक टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाला है जी रेड फूड कलर मेरे पास पाउडर्ड कलर है आपके पास अगर रेड फूड कलर ड्रॉप्स हैं तो वो डाल लेंगे और डिपेंड करता है कि आपके पास किस कंपनी का या किस क्वालिटी का रेड कलर है अगर आपका रेड कलर जो है वो वन टीस्पून के बाद इतना अच्छा ब्राइट नहीं आ रहा तो आप वन टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आधा टीस्पून और भी डाल सकते हैं और हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है देखें कितना प्यारा ब्राइट रेड कलर आया है इसका फिर हमने लिया है जी सेवन इंच का पैन उसके अंदर मैंने ऑयल नीचे भी लगा लिया था और फिर पार्चमेंट पेपर रख के उसके ऊपर भी ऑयल लगा लिया है और फिर हमने क्या करना है जी ऑल्टरनेट करके ना हमने बैटर डालना है पहले रेड बैटर डालना है फिर ये जो वाइट वनेला बैटर है वो डालना है फिर रेड डालना है फिर वाइट डालना है इससे बड़ा ज़बरदस्त सब मार्बलिंग अफेक्ट आ जाएगा ऐसे हमने ये स्टेप रिपीट करते जाना है अंटिल हमारे जो दोनों बैटर हैं वो ख़त्म हो जाएँ तो और एंड पे जो है ये इस तरह मैंने स्विल स्विल्ड से बना लिए थे फिर मैंने लिया एक स्कीवर और इस तरीके से हमने जैसे मैं पैटर्न शो कर रही हूँ उस तरह बना लिया और यूँ स्वर्ट बना के एक खूबसूरत सी इसकी हमने शक्ल बना ली है और ये हमने अब प्री हीट कर लेना है ओवन वन एटी डिग्रीज पे और बेक करना है इसको वन एटी डिग्री पे ही थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स के लिए इसको हमने टैप नहीं करना वरना इसका जो सारा मार्बल इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और बस थर्टी फ़ाइव फोर्टी मिनट्स के बाद आपने एक टुथपे या स्कीवर डाल के इसको चेक कर लेना है कि वो गीला ना हो तो हमारा केक जो है वो ज़बरदस्त सा बेक हो जाएगा पार्चमेंट पेपर की वजह से आप देख सकते हैं केक मोल्ड से कितनी आसानी से निकल आया है और हमारा ज़बरदस्त अमेजिंग केक तैयार है मेक श्योर करना है कि आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने दें बिफ़ोर आप इसको काटते हैं ताकि अच्छे तरीके से केक सेट हो जाए एंड दैट इज़ इट कितना सॉफ्ट फ्लफ़ी मॉइस्ट हमारा केक बन के तैयार हुआ है